हेलो फ्रेंड, दिस इज एसपी अधिगमंच वेलकम्स यू। वी आर प्रेजेंट हियर विद अनदर सेशन विच विल बी द इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। आज हम जो प्रेजेंट हुए हैं वो एक नया सेशन लेकर प्रेजेंट हुए हैं जो कि है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो आज हम फ्रेंड्स बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये जो सेशन है यानी इंटेलिजेंस सी टेट, यू पी टेट, सुपर टेट, एम टेट आदि सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस, सबसे पहले हम उत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस जो शब्द है वो किस से बना है। तो इंटेलिजेंस जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से बना है। जो लैटिन वर्ड है वो इंटेलिजेयर एंड इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंस वर्ड है वो इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। यानी इंटेलिजेंस का मतलब होगा टू अंडरस्टैंड। समझ बनाना, या ये कहें समझना। इंटेलिजेंस जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंसिया दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझ बनाना या समझना। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में, यानी इंटेलिजेंस की होता क्या है, बुद्धि आखिर है क्या। बुद्धि समझ बनाना है। जिस भी एबिलिटी के साथ कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान काम करता है, सोसाइटी के साथ तालमेल बिठाता है, सामंजस्य स्थापित करता है, या किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलता है, चीज़ों को समझता है, अपनी मानसिक क्षमता के साथ उस चीज़ों के साथ तालमेल बिठाता है, वही बुद्धि है। तो बुद्धि के बारे में चार चार चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटेलिजेंस है वो एक तो कह सकते हैं हम कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो इंटेलिजेंस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। एंड देन हमारी रीजनिंग एबिलिटी है, एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी हो गई। इसके बाद कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सोचने की जो क्षमता है वो हमारी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि है। इसके बाद कह सकते हैं अडॉप्टिंग एबिलिटी, टू बिहेवियर, अडॉप्टिंग एबिलिटी टू एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, या और कह सकते हैं समायोजन की क्षमता। समायोजन की क्षमता। इसके बाद टू लर्न यानी सीखना, समझना, सीखने की जो शक्ति है वो भी इंटेलिजेंस है। एंड इसके बाद
ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग। तो जहां तक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस की हमने बात की, तो ये चीज निकल के आती है कि यानी इंटेलिजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इसके बाद अडेप्टिंग एबिलिटी टू एनवायरनमेंट है, इनके बाद समायोजन की क्षमता है, टू लर्न या अंडरस्टैंड यानी समझने की क्षमता है, एंड देन ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। तो कुल मिला के ये इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद जो इंटेलिजेंस वर्ड है वो इंटेली लैटिन से निकल कर आया है, इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंसिया, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझ बनाना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस की बात की है वो यानी सबसे पहले इंटेलिजेंस की बात अराउंड 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में बात की है सर फ्रांसिस गाल्टन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को जो लेकर आए वो फ्रांसिस गाल्टन, जो 18th सेंचुरी में लेकर आए। इन्होंने बहुत सारा काम किया यानी इंटेलिजेंस बुद्धि पर बहुत सारा काम किया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यानी अब हम बात करेंगे, और इन्होंने ही सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही इंटेलिजेंस को हेरिडिटी से संबंधित माना है। यानी आनुवंशिकता, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का संबंध सीधा सीधा इन्होंने हेरिडिटी से माना है कि जो कुछ हेरिडिटी से प्राप्त होता है वही बुद्धि है, चाहे सीखने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, समायोजन की क्षमता हो या लर्निंग आदि, सभी इन्होंने हेरिडिटी पर ज़्यादा जोर दिया है। सर फ्रांसिस गाल्टन को ही द फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स। इन्होंने हेरिडिटी की बात की इसलिए इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखने की है। इसके बाद इन्होंने एक बुक, सर फ्रांसिस गाल्टन ने एक बुक लिखी है यानी हेरिडेटरी जीनियस, हेरिडेटरी जीनियस जो बुक है उसका संबंध सर फ्रांसिस गाल्टन से है, जिन्होंने इंटेलिजेंस की जिसमें बात की है, जिन्होंने हेरिडिटी यानी हेरिडिटी का सीधा संबंध इंटेलिजेंस से माना है। हेरिडिटी को जो महत्वपूर्ण आस्पेक्ट माना है इन्होंने बुद्धि का जो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो हेरिडिटी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस के टेस्ट की जहाँ तक बात है तो इंटेलिजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया एल्फर्ड बिने ने 1905 यानी 1995 में। बुद्धि परीक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि परीक्षण टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिने ने दिया, एल्फर्ड बिने ने 1905 में, और इन्हीं के साथ जो काम किया इन्हीं के सहयोग थे साइमन। तो क्वेश्चन में ये भी कई बार लिखा आ सकता है कि
विनय एंड साइमन, विनय एंड साइमन एक साथ आता है, लेकिन ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी विनय अलग है, अल्फ्रेड विनय अलग हैं और साइमन अलग हैं। तो दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन जो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो विनय ने दिया, जो 1905 में आया। इसी को हम फर्स्ट यानी पहला बुद्धि परीक्षण कहते हैं, फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। ये फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट देने वाले हैं वो अल्फ्रेड विनय हैं। 1905 में पहला इंटेलिजेंट टेस्ट आया। और यदि हम बात करें यानी बुद्धि परीक्षण के पिता बुद्धि परीक्षण के पिता तो बुद्धि परीक्षण के पिता भी अल्फ्रेड विनय को माना जाता है, अल्फ्रेड विनय, द फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट अल्फ्रेड विनय। तो अल्फ्रेड विनय को ही बुद्धि परीक्षण का पिता कहा जाता है, इन्होंने ही बुद्धि परीक्षण का कॉन्सेप्ट दिया। इन्हीं के साथ जो काम करने वाले थे वो साइमन थे। तो सबसे पहले जो बात कही इंटेलिजेंट टेस्ट की वो अल्फ्रेड विनय ने कही 1905 में, और इनके सहयोगी, इनके साथ जो काम किया वो साइमन ने। इसके बाद बुद्धि परीक्षण के कई बार रिवीजन हुआ, कई बार संशोधन हुआ बुद्धि परीक्षण में। तो बुद्धि परीक्षण में जो संशोधन हुआ वो 1905 के बाद 1908 यानी 1908, 1912 एंड 1916। तो कुल मिला के जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं या रिवाइज किया गया है बुद्धि परीक्षण वो 1912 यानी 1912 और 1916 में हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, इन मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बुद्धि परीक्षण का संबंध अल्फ्रेड विनय से है, लेकिन मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो भी इन्होंने ही दिया है, यानी अल्फ्रेड विनय ने ही मेंटल एज का सीधा सीधा संबंध है वो अल्फ्रेड विनय से है। यानी 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड विनय ने दिया, जिनके सहयोगी साइमन थे, इन्होंने इनके साथ काम किया। और यदि हम बात करते हैं यानी पहला बुद्धि परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण भी अल्फ्रेड विनय ने ही दिया। मेंटल एज की बात इन्होंने की, ये याद रखने की चीज़ है, मेंटल एज का संबंध सीधा सीधा अल्फ्रेड विनय से है, और इन्होंने ही पहला बुद्धि परीक्षण दिया। साइमन के सहयोगी थे जो इनके साथ काम करते थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यानी जो बुद्धि परीक्षण में संशोधन हुए यानी 1905 में आने के बाद 1912 यानी 1912 में इसमें सुधार हुआ, एंड 1908 1908 में हुआ, इसके बाद 1916 में। तो 1912 में जो रिवाइज हुआ बुद्धि परीक्षण वो स्टर्न के द्वारा हुआ, एंड 1916 में जो सुधार हुआ वो यानी टर्मैन के द्वारा हुआ। और हम बात करते हैं यानी विलियम स्टर्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया वो
1912 में विलियम स्टर ने दिया। तो हमने बात करी बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण का और मेंटल एज का संबंध एल्फ्रेड बिने से है। इसके बाद बात इंटेलिजेंट टेस्ट का जो संबंध है वो भी बिने से है। इसके बाद नेक्स्ट जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है यानी इंटेलिजेंट आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो 1912 यानी 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया। तो इनका संबंध विलियम स्टर्न से है, या ये कहें कि संप्रत्य आईक्यू को जो संप्रत्य है उसका संबंध स्टर्न से है। सर्वप्रथम इन्होंने ही आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट का कॉन्सेप्ट दिया जो 1912 में आया। नेक्स्ट इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, विलियम स्टर्न का संबंध आईक्यू के संप्रत्य से है, लेकिन जो आईक्यू का फॉर्मूला है, आईक्यू का जो सूत्र है यानी बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो स्टर्न ने ना देके वो दिया टर्मन ने। तो आईक्यू सूत्र यानी बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का फॉर्मूला सभी जानते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, यानी आईक्यू का फॉर्मूला इंटेलिजेंट क्वोशेंट इज इक्वल टू एम ए यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु इंटू 100। जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, सूत्र का संबंध सीधा सीधा टर्मन से है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इसे मिटाई लेते हैं। यानी 1916 जो बुद्धि परीक्षण है इंटेलिजेंस टेस्ट को रिवाइज करके जो आईक्यू का फॉर्मूला दिया वो टर्मन ने दिया, यानी 1916 में, यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यानी शॉर्ट में लिखें तो आईक्यू इज इक्वल एम ए सी ए इंटू 100। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आई क्यू का मतलब बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट, एम ए अपॉन मेंटल एज यानी मानसिक आयु, एम ए बराबर सी ए मतलब क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु
इन्होंने दो चीज़ें बताई जो मेंटल एज, यदि इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी आई क्यू किसी बच्चे की आई क्यू बुद्धि लब्धि निकालनी है, बुद्धि लब्धि का हमें पता करना है, तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए यानी एम ए मेंटल एज चाहिए यानी मानसिक आयु, बच्चे की मानसिक आयु यानी मेंटल एबिलिटी कितनी है, मानसिक आयु से यहाँ पर सीधा सीधा संबंध है, उसकी समायोजन की क्षमता, उसकी सीखने की क्षमता, उसकी जो एबिलिटी है वो कितनी है, एंड इसके बाद जो वास्तविक आयु मतलब उसका जन्म से लेकर अब तक वो उसकी एज कितनी है, तो ये होगी। तो कुल मिला के यदि किसी बच्चे की मेंटल एज 8 ईयर है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु 12 ईयर है, तो सीधा सीधा हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी उसके बच्चे की आई क्यू निकाल सकते हैं, यानी मेंटल एज सबसे पहले ऊपर रखेंगे, मेंटल एज 8/12 यानी वास्तविक आयु 100। तो कुल मिला के किसी भी बच्चे की आई क्यू बुद्धि लब्धि यहाँ से निकल जाती है। तो इन्होंने बात करी आई क्यू बुद्धि लब्धि की, बुद्धि लब्धि में मानसिक आयु का संबंध बच्चे की मानसिक क्षमताओं से है, एंड वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज का संबंध वास्तविक आयु बच्चा कितने साल का है उससे है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट इसे इरेज करते हैं पहले। अक्सर जो कन्फ्यूजन रहता है उस चीज़ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार कन्फ्यूजन रहता है यानी मेंटल एज, इंटेलिजेंट टेस्ट एंड आई क्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इस पर कन्फ्यूज़ कर जाते हैं बच्चे, और कई बार क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से घुमा के दे देता है, तो उसमें कन्फ्यूज ना रहे इसलिए हम बात कर लेते हैं। यानी तीन चीज़ें हैं इनमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो ये चीज़ नोट करने की है, इसमें हम कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी यदि एक बार भी आप इसको रिवाइज करते हैं। तो जो आई क्यू यानी बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो दिया है उसका संबंध है स्टर्न से, ये बात हमेशा याद रखनी है। स्टर्न यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है, आई क्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया वो स्टर्न ने दिया। इसके बाद यदि आई क्यू के हम फॉर्मूले की बात करें, जो आई क्यू बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो जो दिया है उसका संबंध टर्मन से है, यानी आई क्यू का जो फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया है। स्टर्न ने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है और जो फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया है, तो स्टर्न और टर्मन में कभी भी कन्फ्यूज ना करना। इसके बाद मेंटल एज, मेंटल एज का जो संबंध है वो विनय से है, यानी एल्फर्ड विनय, बुद्धि परीक्षण वाले एल्फर्ड विनय, इन्होंने ही मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, इन्हीं को ही फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। तो दोबारा से रिवाइज करना चाहूँगा, यानी आई क्यू का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टर्न ने दिया है, इसके बाद फॉर्मूला आई क्यू का फॉर्मूला वो टर्मन ने दिया है। तो दो चीज़ें हैं, आई क्यू का कॉन्सेप्ट है वो स्टर्न एंड फॉर्मूला टर्मन, इसके बाद मेंटल एज विनय। तो ये चीज़ याद रखने की, कभी भी कन्फ्यूज ना हो। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा, एक यानी एक रेंजुले हुए हैं जिन्होंने बात की है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की बात की है, और क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के आधार पर इन्होंने गिफ्टेड बच्चे की बात की है, यानी गिफ्टेड बच्चा कौन सा होगा जिसमें कौन कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, या कौन सी इंटेलिजेंट एबिलिटी है जिसको इनके अकॉर्डिंग, रेंजली के अकॉर्डिंग उसे गिफ्टेड बच्चा कहा है। तो इन्होंने तीन चीज़ों की बात की है, यानी तीन चीज़ों की बात की है, यानी हाई एबिलिटी, बच्चे में हाई एबिलिटी होनी चाहिए, हाई क्रिएटिविटी,
एंड इसके बाद बात करी है हाई कॉम्पिटेंस, यानी कंपटीशन की भावना बहुत हाई होनी चाहिए। तो इन्होंने माना कि यानी हाई एबिलिटी हो बच्चे में, इसके बाद हाई क्रिएटिविटी हो और हाई कॉम्पिटेंस हो, तो बच्चे ये तीनों गुण यदि किसी बच्चे में हैं, ये तीनों गुण का पाया जाने का मतलब है कि बच्चा गिफ्टेड है, बच्चा प्रतिभाशाली है। तो कुल मिला के उसका जो IQ है 140 से एवा भी रहेगा। तो ये थी एक्स्ट्रा। इसके बाद नेक्स्ट पर बात करते हैं हम नेक्स्ट हम बात करते हैं IQ टेबल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बुद्धि लब्धि का टेबल, यानी टर्मन के द्वारा, यानी टर्मन ने किस तरह से बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों को, उनकी प्रतिभा को किस तरह से वर्गीकृत किया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं टर्मन के अनुसार जो IQ टेबल है उसमें यदि 140, यदि किसी बच्चे की IQ 140 या एवव उससे ऊपर है तो वो बच्चा गिफ्टेड रहेगा, यानी वो बच्चा प्रतिभाशाली होगा। यानी जिस भी बच्चे के बुद्धि लब्धि 140 या उससे ऊपर है, ऐसे बहुत रेयर केसेस में होते हैं, और जो भी होते हैं वो एकदम प्रतिभाशाली होते हैं, उसमें सारी की सारी एबिलिटी, चाहे बुद्धि का कोई भी पक्ष हो, सभी एबिलिटी पाई जाती है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है बहुत अच्छी होगी, वो तार्किक चीज़ों में बहुत अच्छे तरह से तालमेल बैठा पाएगा। तो कुल मिला के इन्होंने बात की है कि 140 या एबव जिसका IQ होगा वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होगा। एंड बात करते हैं यानी 90 to 100, 90 से 110 तक के जो बच्चे हैं वो औसत होते हैं, एवरेज। ज़्यादातर यही बच्चे पाए जाते हैं, 68 to 70% बच्चे औसत आयु के ही, औसत IQ के ही होते हैं। सामान्यतः यही बच्चे पाए जाते हैं जिनका IQ 90 to 110, यानी 90 से 100 और 110 के आसपास होता है औसत बच्चे, ये ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी 70%, 68 से 70% तक इसी तरह के बच्चे होते हैं। इसके बाद इन्होंने बात की है यानी इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मतलब मूढ़ बुद्धि, इनके अकॉर्डिंग मूढ़ बुद्धि किसको कहा जाता है। मूढ़ बुद्धि मतलब जिसमें जिसके जो IQ 25 से 50 होगी, जिसका बुद्धि लब्धि 25 से 50 होगी, इन्होंने उसे मूढ़ बुद्धि कहा है। एंड इनके अकॉर्डिंग जो ईडियट है, यानी बिल्कुल मूर्ख, यानी जड़ बुद्धि, एकदम जड़ बुद्धि, इन्होंने जड़ बुद्धि माना है, यानी 0 से 25। जिस भी किसी बच्चे के IQ 0 से 25 होगा वो बिल्कुल ईडियट यानी मूर्ख होगा, जड़ बुद्धि होगा, उसमें सोचने समझने आदि की बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होगी। एंड इसके बाद इन्होंने जो माना है बॉटम लाइन, यहाँ बात कर लेते हैं, बॉटम लाइन पर जो माना है इन्होंने वो आना 70 to 80। यानी 70 से 80 जिसकी IQ होगा वो बिल्कुल बॉटम लाइन पर है, मतलब बिल्कुल ऐसे स्तर पर है जिसे थोड़ी बहुत यदि हेल्प, टेम्प्रेरी हेल्प दी जाए यदि उसको, तो वह सीख सकता है। विशेष तरह की यदि क्लासेस, परामर्श, काउंसलिंग आदि दी जाए तो वो बच्चा चीज़ें सीख सकता है, और बिल्कुल नॉर्मल यानी जो औसत बच्चे हैं उनकी तरह काम कर सकता है, बिल्कुल नॉर्मल की तरह व्यवहार कर सकता है, यानी औसत की तरह काम कर सकता है। वो बिल्कुल बॉटम लाइन पर है, यदि उसको थोड़े से विशेष तरह से उसे ट्रेंड किया जाए, उसको पढ़ाया जाए या अधिगम किया जाए तो वो बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है। तो ये थी इंटेलिजेंस। हमने इसमें बात की
ये जो सेशन था हमारा इंटेलिजेंस का, ये यहाँ पे इसे फिनिश करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो इंटेलिजेंस थ्योरीज से रहेगा। कई तरह की थ्योरी हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी हैं। अब हम रिवाइज करते हैं, यानी हमने जो बात की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस की उत्पत्ति, इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस या क्या मतलब होता है इसकी मीनिंग। इसके बाद हमने बात की इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट का संबंध किससे है। इसके बाद हमने बात की यानी आईक्यू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आईक्यू फॉर्मूला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड मेंटल एज का संबंध किससे है। तो एक बार दोबारा से बता देना चाहूँगा, जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया है वो स्टर्न ने दिया है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न, एंड आईक्यू का फॉर्मूला जो दिया है वो टर्मन ने दिया है। इन्होंने ही आईक्यू के आधार पर एक टेबल तैयार की जिसे आईक्यू टेबल कहा जाता है, जिस इन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, सामान्य बच्चे कौन होते हैं, जड़ बुद्धि और मूर्ख आदि कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इंटेलिजेंस। आई होप द सेशन विल बी हेल्प यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट वॉज एस पी सिंह साइनिंग ऑफ।